दुबई टी टेन लीग में आज जो पहला मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले की सारी जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। आप जानकारी क्या सबसे पहले आपको वो बता दें तो जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, बाउंड्री डिमेंशन, दोनों टीमों के सारे बल्लेबाज और सारे गेंदबाजों के रिकॉर्ड, उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर और मैच प्रेडिक्शन। सारी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट देख लीजिए सीपीटी हरियाणा के, सारे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं अभी तक। दुबई टी टेन लीग में 8 मुकाबले हुए हैं जिसमें से एक मुकाबला ड्रॉ रहा है और बाकी जो 7 मुकाबले हुए हैं उसमें से 5 मुकाबलों के प्रेडिक्शन सीपीटी हरियाणा के सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को भी चाहिए सही प्रेडिक्शन तो इस नंबर के ऊपर अभी कॉन्टेक्ट कर लो। तो ये जो मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला होगा दुबई टी टेन लीग का 9वां मुकाबला और ये मुकाबला एफपीबी और डीटीएस टीम के बीच खेला जाएगा और ये मुकाबला आईसीसी एकेडमी दुबई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 26 जुलाई को यानी कि आज इंडियन समय के अनुसार आज शाम को 5:30 पे शुरू हो जाएगा। अगर बात करें इस ग्राउंड की तो इस ग्राउंड के ऊपर इससे पहले 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं दुबई टी टेन लीग के, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 मुकाबले जीती, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 4 मुकाबले जीती और एक मुकाबला टाइड रहा था। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 112 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 164 रन, सबसे कम स्कोर बना 81 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 111 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 112 रन। और अगर बात करें बाउंड्रीज के बारे में तो यहाँ पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 58 यार्ड की है और साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 67 यार्ड की है। और अभी हम मौसम के बारे में बात करते हैं तो मैच के दिन मौसम रहेगा 45 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। और अब आपको बता दें एफपीवी टीम के प्लेयर्स, उनके पिछले मुकाबलों के प्रदर्शन और साथ में बैटिंग ऑर्डर तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। वसीम मोहम्मद, इन्होंने 26 रन बनाए 16 गेंदों में पहले मुकाबले में, 6 रन बनाए 5 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं इकरार शाह, इन्होंने 17 रन बनाए 12 गेंदों में पहले मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं मोहम्मद गिलेर, इन्होंने 1 रन बनाया 2 गेंदों में पहले मुकाबले में, 1 रन बनाया 5 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं आलीशान, इन्होंने 0 रन बनाए 1 गेंद में पहले मुकाबले में, 39 रन बनाए 13 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 और नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं आसिफ खान, इन्होंने 30 रन बनाए 11 गेंदों में पहले मुकाबले में, 21 रन बनाए 16 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। 1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 और नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं बेसल अमीर, इन्होंने 5 रन बनाए 7 गेंदों में पहले मुकाबले में, 33 रन बनाए 15 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 और नंबर 5 के ऊपर ये बल्लेबाजी करते हैं संजीत शर्मा, इन्होंने 11 रन बनाए 4 गेंदों में पहले मुकाबले में, 3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 3 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं हजरत, इन्होंने 16 रन बनाए 10 गेंदों में पहले मुकाबले में, 13 रन बनाए 4 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8 और नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं सुरेश पिया, इन्होंने 0 रन बनाए 3.5 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर ये बल्लेबाजी करते हैं हसन खालिद, इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। और अब आपको दिखाते हैं टीपीएस टीम के प्लेयर्स, उनके पिछले मुकाबलों के प्रदर्शन और साथ में बैटिंग ऑर्डर तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। नवाज, इन्होंने 29 रन बनाए 19 गेंदों में पहले मुकाबले में, 49 रन बनाए 22 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 3 विकेट चटकाए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं अदनान खान, इन्होंने 4 रन बनाए 7 गेंदों में पहले मुकाबले में, 7 रन बनाए 7 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं फैजीन शेख, इन्होंने 14 रन बनाए 7 गेंदों में पहले मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं फैसल मीन, इन्होंने 31 रन बनाए 15 गेंदों में पहले मुकाबले में, 23 रन बनाए 15 गेंदों में दूसरे मुकाबले में, 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 और नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं रहमान गुल, इन्होंने 14 रन बनाए 6 गेंदों में पहले मुकाबले में, 6 रन बनाए 4 गेंदों में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 और नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं सेठ, इन्होंने 14 रन बनाए 6 गेंदों में पहले मुकाबले में, 0 रन बनाए 1 गेंद में दूसरे मुकाबले में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तारिक, इन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 2 विकेट चटकाए। हाशमी, इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं चटकाया। राशिद, इन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें कोई विकेट नहीं चटकाया। इमरान हैदर, इन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। शफाकत अली, इन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट चटकाया। उस्मान मरीर, इन्होंने 4 रन बनाए 3 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर ये बल्लेबाजी करते हैं। और आप आपको दिखाते हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर एफपीवी टीम ने
दुबई टीजन लीग में दो मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक मुकाबला हारा है और एक मुकाबला जीता है। वहीं दूसरी ओर डीपीएस टीम ने दो मुकाबले खेले हैं दुबई टीजन लीग में जिसमें से एक मुकाबला उसका टाइड रहा है और एक मुकाबला जीता है। यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं आज एसीएस टीजन लीग में 5 मुकाबले हैं। पहले मुकाबले का वीडियो आपको मिल जाएगा लेकिन दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें मुकाबले का वीडियो नहीं आज बना रहा हूं मैं, तो उनकी जानकारी आपको मिलेगी इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मेरा अकाउंट, यहाँ पर सारी जानकारी जो वीडियो में जानकारी मिलती है वो सारी जानकारी आपको अपडेट करके दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। क्रिक स्टार लाइव सर्च करो इंस्टाग्राम के ऊपर और जाकर फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे। और उसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि दुबई टीजन लीग में भी आज पहले मुकाबले का जो वीडियो है वही आएगा, दूसरे तीसरे और चौथे मुकाबले का वीडियो नहीं आएगा। अगर आपको दूसरे तीसरे और चौथे मुकाबले की जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर ये है मेरा चैनल ग्रेक स्टार लाइव, इसको कीजिए जाके सब्सक्राइब। और अभी यहाँ पर बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पर सारे आंकड़े और सारे स्टैट्स के जरिए डीपीएस टीम स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है कि डीपीएस टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।